morning, students. How are you all? Hope all are fine, fit and healthy. Student, today in English, we will study English to Live. English to Live, lesson number 6, playing together. Okay, playing together, it means, साथ में मिलकर खेलना. Okay, so today I will tell you the story about the two students. दो बच्चों की कहानी आपको ये रीड करके मैं सुनाती हूँ. देखो, टीचर ने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश टू लिव लेसन नंबर 6, प्लेइंग टुगेदर, साथ में मिलकर खेलना. ओके, सो आई विल रीड द लेसन. मैं रीडिंग कर रही हूँ लेसन, लेकिन आपको बताएंगे बच्चों, ये जो लेसन है वो किसके बारे में है? सी, हियर आर द सम पिक्चर्स. यहाँ आपको सारे पिक्चर्स बताए. देखो लेसन में सेंटेंस में भी पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना. हाँ, तो ये जो स्टोरी हो गई पिक्चर रीडिंग की स्टोरी, किसके बारे में स्टोरी हो गई? पिक्चर रीडिंग, यानी जो वर्ड को हमको पढ़ना है उसके बारे में वहां पर उसका पिक्चर दिया गया है सेंटेंस में. ट्री वर्ड को हमको प्रोनाउंस करना है तो वहां पर ट्री का पिक्चर होगा. बॉल वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो यहाँ पर देखो बॉल वर्ड, बॉल बना के बताए, मतलब पिक्चर दिया है बॉल का. यहाँ पर बेंच वर्ड का प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है तो यहाँ पर बेंच का पिक्चर दिया गया है. यहाँ पर गार्डन वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो हमें यहाँ पर गार्डन का पिक्चर दिया गया है. जो पिक्चर दिया गया है उसको हमको प्रोनाउंस करना है. ओके, सो आई विल रीड द लेसन. मेरी लेसन रीड करती हूँ और आपको स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ. लेसन नंबर 6, प्लेइंग टुगेदर. ओके, फर्स्टली सर्कल द थिंग दैट यू एसोसिएट विद ए पार्क. ऐसी कौन सी चीजें जो पार्क से रिलेटेड हैं? तो देखो, पहले तो है यहाँ पर एक ट्री और दो बेंच बताइए, वो पार्क में होती है ना, इसलिए टीचर ने यहाँ पर सर्कल करके बताया है. जू होगा तो एनिमल्स होगा, लेकिन पार्क में ये देखो आपको सी, ये क्या बोलते हैं, लसरपट्टी गुजराती में आप बोलते हो ना. ओके, स्लाइड्स, ये यहाँ हमको ये गार्डन में दिखाई देती है, यानी ये भी गार्डन में होती है. बॉल होते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो कहाँ दिखाई देगा आपको? क्लासरूम में, करेक्ट ना. तो ये गार्डन में नहीं है, इसलिए टीचर ने यहाँ पर सर्कल नहीं किया है. ओके, नाउ वी विल सी द लेसन. ओके, आई विल रीड इट एंड एक्सप्लेन यू. कार्तिक प्ले इन द डैश, ये पिक्चर जो हमें किसका दिखाई दे रहा है? गार्डन. सो कार्तिक प्ले इन द गार्डन विथ हिज बिग रेड, और ये पिक्चर है बॉल, तो टीचर पढ़ रही है यहाँ पर बॉल. ओके, सो कार्तिक प्ले इन द गार्डन विथ हिज बिग रेड बॉल. कार्तिक गार्डन में अपनी रेड बॉल के साथ खेलता है. हिज मदर सिट ऑन अ बेंच, बेंच का पिक्चर है इसलिए प्रोनाउंस होगा बेंच. कार्तिक की मम्मी जो है वो बेंच पर बैठती है. शी रीड अ बुक का पिक्चर है, तो टीचर यहाँ पे बुक पढ़ रही है. वो क्या पढ़ रही है? उसकी मम्मी बुक पढ़ रही है बेंच पर बैठकर. किसकी मम्मी? कार्तिक की. कार्तिक किक्स द बॉल, कार्तिक अपने बॉल को क्या करता है? पैर से किक लगाता है. देन ही रन्स आफ्टर इट, और फिर वो उसके पीछे दौड़ता है बॉल के पीछे. इट इज नो फन प्लेइंग अलोन, अकेले खेलने में उसे मजा नहीं आता है. अब टीचर पेज पलटती है और रीड करती है. ओके स्टूडेंट, जस्ट देन मनोज कम्स इन विद हिज मदर. फिर जस्ट देन मतलब थोड़ी देर में मनोज भी अपनी मम्मी के साथ वही गार्डन में आता है. मनोज सी कार्तिक्स रेड बॉल, मनोज क्या देखता है? कार्तिक के रेड बॉल को देखता है. He wants to play with a red ball too. वो भी कार्तिक के रेड बॉल से के साथ खेलना चाहता है. Can I play with you? क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? Ask मनोज. ऐसा मनोज किसे पूछता है? कार्तिक को पूछता है. Sure, let's play, says कार्तिक. Sure, खेल सकते हो. ऐसा कार्तिक क्या कहता है? अपने वो जो फ्रेंड ने पूछा मनोज ने, उसे कहता है. मनोज मदर सिट ऑन द बेंच, देखो पिक्चर दिया गया है बेंच का,
तो फिर से हम बेंच वर्ब प्रोनाउंस करेंगे. मनोज's मदर यानी मनोज की मम्मी सिट ऑन द बेंच. मनोज की मम्मी भी बेंच पर बैठती है. हेलो आई एम प्रिया, वो कहती है. आई एम प्रिया सेज कार्तिक मदर. किसे कहती है वो? कार्तिक की मम्मी को कहती है. हेलो आई एम प्रिया. फिर सामने देखो दूसरी बार. हेलो आई एम नर्सरी. जो सामने बैठी है वो बोलती है, वो प्रिया की मम्मी कार्तिक की मम्मी को बोला. अब वो दूसरी बोलती है. हेलो मैं नर्सरीन हूँ सेज मनोज मदर. तो मनोज की मम्मी जो बोलती है मैं नर्सरीन हूँ. हेलो ऐसे एक दूसरे से इनकी मुलाकात होती है. दे बिगिन टू टॉक और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती है. द टू बॉयज वो दोनों बॉयज कौन? कार्तिक एंड मनोज प्ले विथ द बॉल. किससे खेलते हैं? वो रेड बॉल से खेलते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ फन. उनको खेलने में बहुत मजा आता है. लेट्स कम टू द गार्डन. क्या कहते हैं? हमें गार्डन में आएंगे अगेन टुमारो. कब? वापस हम कल गार्डन में आएंगे. मनोज से टू कार्तिक. ऐसा मनोज किसे कहता है? कार्तिक को कहता है. व्हेन दे रीच होम. यहाँ देखो घर का पिक्चर है बुक में तो होम पढ़ेंगे. ओके व्हेन दे रीच होम जब वो घर पहुंचते हैं. कार्तिक्स मदर आज कार्तिक की मम्मी पूछती है डिड यू हैव फन. क्या आपको मजा आया? यस मदर सेज कार्तिक. तो कार्तिक क्या कहता है? यस मम्मा हमें खेलने में बहुत मजा आया. आई हैड ए नाइस टाइम टू. मुझे वहां खेलने में अच्छा टाइम मिला. मतलब हमने वहां पर अच्छा समय बिताया. सेज मदर. ऐसे कार्तिक अपनी मम्मी को कहता है. तो सुना बच्चों ये यहाँ पर लेसन हमारा खत्म होता है. और स्टोरी हुई दो बच्चों की अपनी मम्मी के साथ गार्डन में खेलने की. ओके किसी तरह कैसे मजा किया दो बच्चों ने गार्डन में खेलते हुए. तो स्टूडेंट यहाँ पर टीचर ने आपको लेसन के कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं. टीचर उसको पढ़ती है और आपको एक्सप्लेन करती है. ओके किक यानी बॉल को किक मारते हैं वो. ओके पैर से किक मारना. फन इट मीन्स मजा करना. बिगिन इट मीन्स शुरू करना. प्ले इट मीन्स खेलना. रीच इट मीन्स पहुंचना. टाइम इट मीन्स समय. एंड नाइस इट मीन्स सुंदर अच्छा समय बिताना. बुक में आपको ये ग्लोसरी दी गई है. टीचर ने यहाँ पर लिखी है फन इट मीन्स टू हैव अ गुड टाइम मजा करने का अच्छा समय. Begin it means to start. Reach to go to a place जहां पर हमें पहुंचना है वह जगह. Opposite word it means मैंने आपको बोला था जैसे सिखाया था उल्टा सुल्टा ऊपर नीचे क्रॉस वर्ड आना जाना. तो वही वर्ड हमारे. Okay student tulip lesson number 6 playing together इसकी एक्सरसाइज हम बुक में करेंगे. I will turn the page. Okay. Page number आपकी बुक में 39 है. एक्सरसाइज फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ब्रैकेट में से वर्ड पसंद करना है और हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. कार्तिक इज एट द डैश. कहाँ है कार्तिक? पार्क बीच स्ट्रीट या ग्राउंड? आंसर इज पार्क. मनोज एंड कार्तिक डैश प्ले डांस ईट या फाइट टुगेदर. आंसर इज प्ले खेलते हैं. कार्तिक हैज अ डैश ब्लू रेड ग्रीन और ब्राउन बॉल. आंसर इज रेड बॉल. मनोज मदर डैश प्रिया नसरीन रीमा या स्नोआ. आंसर इज प्रिया. कार्तिक्स मदर रीड अ डैश बुक न्यूज़पेपर स्टोरी और नॉवेल. आंसर इज बुक. तो टीचर ने यहाँ पर बुक लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो है हमारा क्या है राइट और रॉन्ग. फर्स्ट वन कार्तिक्स मदर सेट ऑन ए विंग. झूले पर बैठती है कार्तिक की मम्मी? नो. तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा रॉन्ग. मनोज केम टू द पार्क विथ हिज मदर. मनोज अपनी मम्मी के साथ पार्क में आया था. यस राइट. द बॉयज हैड ए लॉट ऑफ फन. बच्चों को मजा आया?
यस राइट, तो यहाँ पर राइट कनेक्शन किया। द मदर्स बिगेन टू रीड, मम्मी पढ़ने लग गई, दोनों की ये बात सही है या गलत? तो गलत, इसलिए क्रॉस करेंगे। द टू बॉयज प्ले विथ अ बलून, दोनों बच्चे बलून से खेलने लग गए थे, इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये आएगा रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? अपोजिट वर्ड, मैंने आपको समझाया था ऊपर नीचे उल्टा सुलटा, हमें यह वर्ड्स इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, बिग यानी बड़ा तो उसका उल्टा होगा स्मॉल यानी छोटा, कम यानी आना, गो यानी जाना, बिगिन इट मीन शुरू करना, एंड इट मीन्स खत्म करना। नाउ आई विल टर्न द पेज, पेज नंबर 40। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड ये ब्लॉक ब्रैकेट दिया गया है पिंक कलर का, उसमें से पसंद करना है और हमें ये वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। फर्स्ट वन है अ ह्यूज अम्ब्रेला, अ फैट कैट, एन ओल्ड मैन, अ ग्रीन लिप, ओके, अ टॉल बॉय, अ स्लो स्नेल, अ ब्राइट फ्लावर, अ बिग एलिफेंट। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है फ्लावर्स के और उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? जैस्मिन, सेकंड है लोटस, देन मैरीगोल्ड और थर्ड है टुलिप। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, हम अभी आपको नेक्स्ट पीरियड में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।